राम महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अयोध्या में आज रामलला विराजमान हुए। पूरे देश ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया और एक नए युग की शुरुआत होते हुए भी देखा। हमारे रामलला कई सैकड़ों वर्ष बाद अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस आयोजन में देश के सभी साधु संत मौजूद रहे। साथ ही देश के हर गांव गली मोहल्ले में भी इस आयोजन को किया गया। झुंझुनू जिले के गांव देवीपुरा में राम तलाई बालाजी मंदिर में भी धूमधाम से राम महोत्सव मनाया गया। गांव देवीपुरा के सभी ग्रामवासी, बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों ने भी भारी उत्साह दिखाया और राम महोत्सव में शरीक होकर आयोजन मनाया। इस अवसर पर केसर देव शर्मा, मामराज सिंह गोदारा, ताराचंद झाझड़िया, शंकर लाल मीणा, सुगन लाल शर्मा, रामावतार मीणा, चंदगी कुमावत, सुगन लाल मीणा, भोपाल सिंह झाझड़िया, विद्याधर बोयल, दयानंद बोयल, हरलाल बोयल, सुमेर झाझड़िया, महेश झाझड़िया, दीपक झाझड़िया, कृष्णा राम जांगिड़, चंदगी राम गोधारा, महेंद्र झाझड़िया, नेमेचंद झाझड़िया, रामकरण झाझड़िया, भरत सिंह झाझड़िया, भरत सिंह बोयल, प्यारेलाल शर्मा, नरोत्तम शर्मा, तुलसी राम बोयल, रामावतार शर्मा, रतनलाल शर्मा, एडवोकेट अशोक शर्मा, खुशील शर्मा, महेश शर्मा, कैलाश शर्मा, दीपक शर्मा, पंकज शर्मा, राजकुमार शर्मा, अजय शर्मा, रवि शर्मा, आदित्य शर्मा, पार्थ शर्मा, लक्ष्य शर्मा, परमानंद शर्मा, राघव शर्मा, चैतन्य शर्मा, हरिओम शर्मा सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। I'm not afraid.
No.